हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी एलजी फुली ऑटोमेटिक मशीन है और जिसका जो मॉडल नेम है टर्बो ड्रम है। अब जो है एलजी का आपको इससे इम्प्रूव और बेटर ऑटोमेटिक मशीन मिल जाएगी। तो इसमें हम आपको अब तो इसमें जो है हम आपको अब लाइव स्पिनिंग और ये कैसे रिनाइज करता है वो दिखाएंगे। तो देखिए, तो ये पहले जो है ये हमारे कपड़े में पानी डल रहा है और उसके बाद जो है ये स्पिन शुरू कर देगा। देखते हैं कैसे करता है। तो इसमें फुल हो रहा है, हम जो है इसका पानी लेवल थोड़ा कम कर देते हैं क्योंकि ये पानी एक्स्ट्रा हो गया मतलब। और जैसे हमने पानी का लेवल कम कर दिया और ये मेरे ख्याल से 5 जो है इसका लेवल ठीक है। और अब जो है आपको ये दिखाते हैं कि ये कैसे करता है। तो यहाँ पर आप ये देखिए, हमारा जो टाइम जो है कपड़े धोने का सिर्फ 12 मिनट रह गया और अब जो है रिनाइज हो रहा है, इनकी वॉशिंग हो चुकी है और अब जो है कपड़ों को ये निचोड़ रहा है साफ पानी में। तो पहले जो है ये देखिए इतना सारा पानी इसमें निकल चुका है। और जब भी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन से पानी निकले आप उसको साफ बर्तन में स्टोर कर लें क्योंकि ये पानी जो है आप फिर घर की सफाई के लिए, जैसे आपकी फर्श की सफाई है और बाकी जो है वॉशिंग के काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा होता है और ज़्यादा ख़राब नहीं होता, तो आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको अगर हम दिखाएं तो ये इसकी वॉशिंग हो रही है, आपको दिख रहा होगा। साफ कर देते हैं स्क्रीन। डाल में डाल तो ये हमारा साफ पानी फिर जा रहा है। तो देखते, तो ये हमारी जो है रिनाइज हो रही है। तो आपको क्या हम ये पोज दिखाएं और उसके बाद जो है इसकी स्पिनिंग शुरू होगी। तो काफी ये टाइम ले रहा है, लेट्स सी कितना टाइम लेता है। तो अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि स्पिनिंग कैसे करता है। तो देखते हैं कब स्पिनिंग शुरू होती है। क्योंकि ये देखिए अब जो है ये इसमें अब ये पानी निकल रहा है क्योंकि इसमें जो है आपके कपड़ों में जितना थोड़ा सा ये वॉशिंग पाउडर होता है या डिटर्जेंट होता है उसको जो है ये रिनाइज करके निकाल देता है। और अब जो है इसमें स्पिनिंग स्टार्ट होगी तो हम आपको वो लाइव दिखाएंगे तो ये कैसी स्पिनिंग करता है। तो
फुल्ली ऑटोमेटिक में यही होता है कि आपके कपड़े वॉशिंग से लेकर रिनाइज वॉश होता है, फिर रिनाइज होता है, फिर स्पिन होता है, और फिर जो है आपके कपड़े तैयार होते हैं धोने के लिए। तो ये हमारा पानी आगे, और इसको जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं आगे काम के लिए। तो ये है, तो ये आप इसमें डाल दीजिए। और अब जो है हमारी स्पिनिंग स्टार्ट होने वाली, तो देखते हैं ये कैसी स्पिनिंग करता है। तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन कैसे काम करती है और इसमें कैसे स्पिनिंग होती है। तो ये आपको एक डेमो आपको दे रहे हैं। काफ़ी पानी इसमें जो है वेस्ट हो जाता है, तो आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते हैं, तो आपको अगर हम दिखाएं तो ये कपड़े हमारे तो कैसे धुलते हैं। अभी ये गीले हैं, अभी ये इसको ये सुखाएगा, और सुखाने के लिए जो है ये फास्ट गति से ये स्पिन करता है, और जैसे ही तेज गति से ये मूव करता है ड्रम, तो कपड़ों में जो पानी की ड्रॉप्स होती हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बाहर निकल जाती हैं। तो यही प्रिंसिपल होता है सुखाने का। आप चाहो तो इन कपड़ों को बिना स्पिन किए भी डाल सकते हैं, पर फिर आपको सुखाने के लिए जो टाइम लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। तो देखते हैं ये हमारा कब स्टार्ट होता है स्पिनिंग। तो ये हमारी स्पिनिंग आखिरकार स्टार्ट होगी। तो काफ़ी टाइम लग जाता है कपड़े धोने में, तो हम आपको ये दिखाते हैं। जब भी स्पिनिंग हो तो इसको आप ना खोलें, क्योंकि ये जैसे आप खोलोगे तो इसको ब्रेक लगाना पड़ता है, तो जो कि काफ़ी मतलब इसके जो स्प्रिंग होते हैं आप कह सकते हैं इसका एक शोकर होता है, चारों तरफ शोकर होते हैं, तो वो ख़राब हो जाते हैं। अगर वो ख़राब हो गए तो शोकर को बदलवाना पड़ता है, तो उसकी कॉस्ट जो है कम से कम 4 से 5 हज़ार लग जाती है। तो ये देखिए स्पिनिंग हो रही है, और स्पिनिंग में क्या होता है कि कपड़े चारों तरफ बराबर होने चाहिए। अगर एक तरफ कपड़े ज़्यादा हैं एक साइड कम है तो बैलेंस बिगड़ जाता है, तो वो फिर टेढ़ा मेढ़ा घूमने लग जाता है। तो ये देखिए आपकी ये मशीन थोड़ी सी वाइब्रेट भी करती है, और इसमें जो है ये नॉर्मली स्पिन कर रहा है, और स्पिनिंग में जो है थोड़ी आवाज़ भी ज़्यादा आती है। तो आपको ये हम अगर दिखाएं पूरा कि ये कैसी मशीन ये वाइब्रेट कर रही है, तो ये, और अगर आपको हम क्लोज दिखाएं अगर ये कितनी मशीन होती है। तो LG को जो है हम इस मशीन को कम से कम 5 साल से भी ऊपर से इस्तेमाल करें, तो एक दो बार हमें थोड़ी सी दिक्कत आई, ख़ास तौर पर ये हमारे जो शोकर थे वो ख़राब हो गए, और वो फॉल्ट भी हमारा था, क्योंकि ये शोकर क्यों ख़राब होते हैं, अगर आपकी ये बैलेंस सही ढंग से नहीं है, नीचे से बैलेंसिंग नहीं है, और आप कपड़े बहुत ज़्यादा डाल देते हैं और आप स्पिनिंग करते हैं और इन अनइक्वल कपड़े डले हों ड्रम में और वो तेरा मिनट घूमे, तो आपके जो ये शोकर होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, और उसकी जो रिप्लेसमेंट है वो या सर्विस चार्ज है कम से कम 4000 से 5000 के बीच पड़ जाता है। और अगर हम टाइमिंग देखें तो जस्ट 5 मिनट रिमेनिंग है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला पिंक है थोड़ा बहुत, अगर आपको शायद वीडियो में ना दिख पा रहा हो तो ये पिंक है, तो लास्ट स्टेप रह गया। और स्पिनिंग में जो है आप भूल कर भी इस चीज़ को ना खोलें, अगर आप बार बार ऐसा करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी मशीन ख़राब हो सकती है, इसकी जो स्प्रिंग्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे और आपका जो ड्रम है वो अनबैलेंस हो जाएगा। तो अभी 5 मिनट और हैं, और आप अगर ये देख रहे होंगे तो ड्रॉप ड्रॉप करके पानी आज निकल रहा है, वो इन कपड़ों से निकल रहा है।
ये था डेमो फॉर द एलजी फुजी लॉजिक 6.5 किलोग्राम मशीन का। और आप अगर ये देखिए इसको, और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कोई डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।